अभी आप तो बिना वजह गुस्सा कर रही हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स, और इसके लिए हमें चाहिए जी मैदा 250 ग्राम, 250 ग्राम मैदा हमारे पास। इसमें डालेंगे 30 ग्राम खमीर, यानी कि 1 चम्मच खमीर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएगी 30 ग्राम चीनी, आधा चम्मच नमक, इन सबको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाँ जी, खमीर मैंने डाला है 4 ग्राम, 1 चम्मच, सॉरी मेरे से गलती होगी, मैंने 30 ग्राम कह दिया। 4 ग्राम खमीर है, इसमें चीनी है 30 ग्राम, और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, और इसमें एक अंडे की जर्दी जाएगी, दूध है हमारे पास आधा कप, इसको अच्छे से सारे को मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। इसको मैं हाथ से गूंथती हूँ, इसके साथ थोड़ी इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। ये देखें, ये सारा कुछ मिक्स करके थोड़ी देर आपने भूनना है, 2 मिनट। इस तरह जब हो जाएगा, ये देखें, इसे में फिर आपने ये मक्खन डालना है, इसमें तकरीबन 30 ग्राम, 3 चम्मच। ये बहुत ठंडा था, मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको ना किया है ओवन में रख के ना। मक्खन को मैंने ना ओवन में रख के थोड़ा सा मेल्ट किया, क्योंकि मेरा फ्रीजर में पड़ा हुआ था। अब हमने इसको ऐसे ऐसे करके, ये देखें, इस तरह सारे को इसके अंदर अच्छी तरह से ना मक्खन को मिक्स करना है। मक्खन को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया इसमें। अब हम इसको ना ऐसे नीचे खुशका डाला है शेल्फ पे डाल के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ना अच्छी तरह हम इस ये खुश्क मैदा डाला है, और इसको अब अच्छी तरह से ना तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ना इसको अच्छे तरह हम गूंदेंगे। ये इस तरह होता रहेगा, चिपकता रहेगा, जैसे जैसे ये अपने सही फॉर्म में आएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक गूंद लेते हैं। देखें जी, ये तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गया मुझे इसको ना गूंदते हुए, माशाल्लाह इस फॉर्म में हो गया बिल्कुल सॉफ्ट मैदा हमारा हो गया। अब हम इसको ना पेड़े कर लेंगे इसके। मैंने इसको 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से गूंदा है, और ये देखें माशाल्लाह से अपना सही फॉर्म में हो गया जिसमें हमें चाहिए। अब हम इसके ना पेड़े कर लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल में लगाया चम्मच को, हम इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। इसको हमने खींचना नहीं है, इसलिए हम इस तरह इसके ना पीसेस बना रहे हैं, कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ये देखें इस तरह हमने एक उठाया हिस्सा और इसको इस तरह पेड़ों की तरह हमने इस तरह बेल लेना है। ये देखें इसको हम ट्रे को मैंने ना ऑयल लगा लिया और इसी तरह हम सारे अपने अपने बना के ना इनको थोड़े फासले से रखना है आपने, बिल्कुल जोड़ के नहीं रखना क्योंकि हमने इनको अभी रेस्ट का टाइम नहीं दिया। जैसे हम इनको थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये फूलेंगे, इसलिए थोड़े से फासले पे रखना है आपने इनको, बिल्कुल साथ चिपका के नहीं रखना। पेड़ इस साइज के हो रहे हैं, छोटे बड़े तो नहीं। पेड़ बना लिए सारे हमने, अब हम इसको अच्छे से ना कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना इसको हम रेस्ट देंगे, छोड़ देंगे इसी तरह। पंद्रह मिनट के बाद हम मिलते हैं। ये जी तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, ये माशाल्लाह से देखें फूल गए हैं पहले से। अब हम इसको ऐसे हल्के हाथ से उठाएंगे, इसको मैदा हमने लगा लिया और इसको ऐसे हल्के हाथ से रखेंगे और इसको किसी चीज़ से दबा लेंगे। इसको ऐसे हल्के हाथ से हमने दबा लिए, इसको गोल शक्ल में कर लेंगे बिल्कुल, और ये इसको मैदे में डिप किया। बिस्मिल्लाह इसको हम निकाल लेंगे माशाल्लाह से। ये देखिए जी इसी तरह हम सारे बना के ना अब दूसरा लेंगे। इसको भी इसी तरह मैदे में डिप करेंगे हल्के हाथ से, इनके साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना काफ़ी नरम और बना हुआ है और इसको दबाना भी नहीं ज़्यादा आपने, इस तरह किसी चीज़ से रख के हल्के हाथ से हम दबाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये गोल हो गया। फिर इसको मैदे में डिप किया, इसी तरह हम सारे बना बना के ना माशाल्लाह से ये देखें। इसको मैं इधर रख देती हूँ, एक एक टिश्यू पे ना मैं एक एक रखूंगी। इसमें मक्खन वगैरह ना डला हुआ तो बहुत नरम और सॉफ्ट किस्म का ये बना। बिस्मिल्लाह इसको उंगलियों से भी दबाने की जरूरत नहीं है, आराम से इस तरह रख के आप ऊपर इसके दबाएं तो ये माशाल्लाह से गोल शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए बिस्मिल्लाह इसी तरह हम सारे कर लेंगे हल्के हाथ से, बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी आपने इनके साथ। ये देखें हमने सारे इस तरह बना लिए हैं, अब हम इनको कवर कर देंगे दोबारा से। और एक मिनट मैं इसको भी खोल पेपर के साथ कवर कर देते हैं।
खोलो। उनको जब भी रखना आपने इस तरह फासला देके रखना है, आपस में टच ना हो बस। थोड़ी चीजें कर देते हैं। इसको 30 से 40 मिनट के लिए ना रेस्ट देंगे इसी का दोबारा, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। हमने इसको 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दिया। 30-40 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे। जितनी देर हमारे ये डोनर जो है रेस्ट पे हैं, इतनी देर हम इनके लिए कोटिंग के लिए ये तैयार कर लेते हैं। ये है जी शुगर, जिसको क्रश किया हुआ क्रश शुगर है। बिस्मिल्लाह, ये 3 चम्मच शुगर इसमें डालते हैं। 3 चम्मच हम इसमें डाले हैं। इसमें हम डालेंगे, ये 2 बाउल में हमने शुगर डाल ली है। 3-3 टेबल स्पून शुगर डाली है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दूध दोनों में। इसे मिक्स करेंगे। ये जो हमने इनको कोट करना है ना, इसके लिए बना रहे हैं हम। ये अच्छे से शुगर मिक्स हो जाएगी। जितनी देर ये रेस्ट में है तब तक ये भी अच्छे से चीनी भी मैश हो जाएगी। वेलकम बैक जी। चलें, ऑयल हमारा गर्म हो गया, ये देखें। अब हम इसमें ना इनको डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके। आहिस्ता आग भी करेंगे, नहीं तो यकदम से जल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक और डाल देते हूँ पहले। हो जाएंगे, उठा लेंगे। इनको बिल्कुल आहिस्ता दरमियानी आग पे करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना फ्राई। ये यकदम से कलर इनका देखे ना चेंज हो जाता है, तो आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता आग पे ही बनाना है। माशाल्लाह से जी बड़े प्यारे फूले हैं, देखें ये देखें। इसमें निकाल दिया, इनको दोनों साइडों से ना अच्छी तरह फ्राई कर लेना, ताकि कच्चे ना रहें। अब रहते नहीं ये कच्चे। माशाल्लाह से बड़े प्यारे फ्राई हो रहे हैं। इसको जला जाए, झटपट से फ्राई हो जाते हैं। मिनट लेने का देखें, डालने की देर है, साथ ही इनका कलर आ रहा है।
बिस्मिल्लाह, बड़े नरम है जी माशाल्लाह से। इनको हम ऐसे रखते हैं ज़रा थोड़ा सा तिरछा करके ताकि इनका सारा ऑयल निकल जाए। इसी तरह अब ये भी डाल लेते हैं। इधर करो कैमरा, दो दो करके डालते हैं। ठीक है, आसानी से फ्राई हो जाए ना, बड़े हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे निकलेंगे। देखो इनको अब टिश्यू पेपर रख देंगे, बाद में ठंडे हो जाएंगे। बेहतरीन फूल गए हैं, मोटे मोटे हो गए हैं। ये भी हो गए फ्राई, इसको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह इसको भी डाल लेते हैं। इसी तरह सारे हम फ्राई कर लेते हैं। सारे हमने फ्राई कर लिए हैं, ये देखो माशाल्लाह से बड़े प्यारे फ्राई हो गए हैं। और निकाल लिए हमने, ये भी निकाल लेते हैं। बस थोड़ा सा और सेक लग जाए फिर निकालते हैं। तकरीबन हो गए हैं, बिस्मिल्लाह। पहले हमने इसमें रखे हैं ताकि सारा इनका ऑयल निकल जाए। खिला के रखा है, ठंडे हो जाए ज़रा अच्छी तरह से ना, माशाल्लाह से। ये देखें इनको भी फैला के रख देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। थोड़ा भी रख लेते हैं, इसी में रख लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। बाद में निकालने बहुत गर्म है। सारे अच्छी तरह ठंडे हो गए, फिर हम 5 मिनट बाद इनकी कोटिंग करते हैं, ज़रा ठंडे हो जाए थोड़ी देर। ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको ना अच्छे से कोट कर लेते हैं। इसको ना हम इसमें करते हैं, इसको इसमें सादा में करेंगे, डिप करते हैं। इसी में सादे में कर देंगे, इसमें कर दो, इसमें रखते हैं सादे में। तीनों तरह से मैंने कर दिए, डोनट हमारे तैयार हो गए हैं जी माशाल्लाह से, बेहतरीन
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक भी करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगती है हमारी वीडियो ज़रूर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।